नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारी बारिश के चलते बेतवा नदी उफान पर है। गंज बसौदा से सिरोंज अशोकनगर विदिशा जाने वाले सभी रास्ते बंद होने के कारण कई यात्री दो दिन से परेशान हैं और रास्ता खुलने के इंतजार में नदी के दोनों पुलों पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हैं। बेतवा नदी के बड़ी वर्री घाट बाईपास पर और सिरोंज रोड पर काफी पानी होने के कारण रास्ता बंद है। कई लोग राखी बंधवाने भी अपनी बहनों के पास नहीं पहुंच पाए। बस स्टैंड पर काफी बसें खड़ी हुई हैं। वहाँ का पुल भी, वहाँ 20 फीट पानी है, 10 फीट पानी है, इस कारण से निकले नहीं पाए। खाली यहाँ से राखी नहीं बनवा पाए। सर हम यहाँ खड़े हैं, दो दिन से वेट कर रहे, डेली आते, देख के भाग जाते, लौट जाते। क्या राजस्थान बीकानेर से आए हैं? तो कितने दिन से फंसे हुए यहाँ पर? यहाँ तो 4 दिन है आज। तो अभी क्या स्थिति है, क्या बता रहे हैं आप, कोई जानकारी है? जानकारी दो ही रास्ता है, सोजो जाने के लिए, वो दोनों ही रास्ता बंद है सिरोंज जाने के लिए। तो सरोन जाना है आपको? हाँ, दोनों रास्तों पे नदी बढ़ रही है, रास्ता बंद है। गाड़ी में क्या माल है? गाड़ी में तो ये उड़द लोड किया हुआ है। तो ये शासन का माल है या प्राइवेट है? ये शासन का है, सरकारी मंडी से लोड किया है। रक्षाबंधन से पहले आया था मैं काम से, राखी नहीं बनवा, और भोपाल भी आया, लेकिन मेरी गाड़ी फंसी हुई है 6-7 रोज से, निकल नहीं पा रहा हूँ। तो कहाँ जाना है आपको? मुझे मकसूदगढ़ जाना है, मकसूदगढ़ तहसील को नाम है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मुझे 6-7 रोज हो गए। ब्यूरो चीफ विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।